हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विक एजुटेक लर्निंग में। आज की इस वीडियो में मैं आपके सभी के डाउट्स को दूर करने वाला हूं, जो आपको एडमिशन लेते समय काफी डाउट्स आते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि केंद्रीय विद्यालय ने अपना एक नोटिस निकाला था और इस नोटिस में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने लॉटरी सिस्टम कंडक्ट करवाने की बात कही थी। इस लॉटरी सिस्टम को कैसे यूज करें और इसमें कौन कौन भाग ले सकता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, आपके सामने ये वो नोटिस है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 9 जून को निकाला था और इस नोटिस में ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने लॉटरी कंडक्ट करवाने का टाइम स्लॉट भी मेंशन किया है और साथ ही साथ स्टूडेंट की सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के बारे में भी मेंशन किया है। आप इस नोटिस में देखेंगे कि लिखा गया है सब्जेक्ट ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस सेशन 2020-21। फर्स्ट पॉइंट जो लिखा गया है, टाइम स्लॉट फॉर कंडक्ट ऑफ RTE एंड अदर कैटेगरीज लॉटरीज। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया, अपलोडिंग ऑफ सिलेक्ट वेटिंग लिस्ट, जो वेट लिस्ट है, कैंडिडेट लिस्ट ऑन विद्यालय वेबसाइट। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मैडम सर, एज यू आर अवेयर दैट द वन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द क्लास फर्स्ट सेशन 2020-21 कंक्लूडेड ऑन 19 अप्रैल 2021 अप टू 7 PM। आप जानते ही हैं कि क्लास फर्स्ट सेशन 2020-21 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है 19 अप्रैल 2021 शाम 7 बजे तक ही थी, और जब इसको आफ्टर क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब ये क्लोज की गई 19 अप्रैल को, तो एक शेड्यूल निकाला गया था 23 अप्रैल 2021 को कि लॉटरी शेड्यूल निकाला गया था, पर इसको पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि कोविड केसेस बढ़ने के कारण। नेक्स्ट आपके पास जो एडमिशन जो प्रोसेस को अब वापस से रिज्यूम कर दिया गया है और एक नोटिस निकाला गया और न्यू डेट निकाली गई, लॉट्स फॉर क्लास फर्स्ट एडमिशन इज नाउ 23 जून 2021 वेडनेसडे फॉर द जनरेशन ऑफ सिलेक्ट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट एज पर नंबर ऑफ सेक्शन। सेक्शन के हिसाब से, सीट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से और ये निकालेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो सबसे पहले लॉटरी जो सिस्टम है ऑनलाइन एडमिशन का, वो RTE सेक्शन का निकाला जाएगा। ये मेंशन किया गया है पार्ट सी पॉइंट 4 पे, मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास फर्स्ट में। नेक्स्ट आपके पास यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कंडक्ट ऑन 23 जून 2021 टू ए गिवन स्लॉट, आपको स्लॉट दिए जाएंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, आपके सामने यहाँ पे स्लॉट टाइम है, आपके पास लॉटरी टाइम स्लॉट है, ये 23 जून 2021 को ये निकाले जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास रीजन जो नेम आपके सामने है कि जो लॉटरी टाइम है, सबसे पहले 8:30 यानी 8:30 से लेकर 9:30 के बीच में देहरादून, जयपुर, मुंबई और रायपुर के लिए रीजन के लिए निकाले जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास 9:30 से लेकर 10:30 के बीच में। नेक्स्ट कुछ और रीजन हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, तो दिल्ली, हैदराबाद, सिंचार और वाराणसी के लिए निकाले जाएंगे। नेक्स्ट ये जो स्लॉट्स हैं, ये काफ़ी स्लॉट्स हैं, अलग अलग रीजन की अलग अलग टाइमिंग है। नेक्स्ट लास्ट जो रीजन जो स्लॉट्स हैं वो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा, वो किसके लिए है, चेन्नई, जबलपुर, जम्मू, लखनऊ और पटना के लिए निकाले गए हैं। ये था सभी लॉटरी टाइम, यानी कि आपके पास लॉटरी टाइम पहले निकाला जाएगा। आप बच्चे जो हैं, आप लॉटरी भरेंगे, यानी आप उस वेबसाइट पर जाएंगे और अपनी लॉटरी के लिए क्लिक कर लेंगे, तो जब इसकी अपलोडिंग जो टाइमिंग है, यानी कि वेबसाइट में जो लॉटरी का रिजल्ट होगा वो कब दिखाया जाएगा, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो वेबसाइट पर जो है लॉटरी आपके पास निकल जाएगी, कौन कौन से बच्चे जो हैं सिलेक्ट होंगे। जो रीजन नेम आपके सामने दिया गया है, देहरादून, जयपुर, मुंबई और रायपुर, जो 8:30 पे लेके 9:30 के बीच में जो स्लॉट बुक करेंगे और उनका जो रिजल्ट है वो 11:30 से लेके 12:30 के बीच में अपलोड हो जाएगा। उसी तरह से जो लास्ट जो है, जो 2 से लेके 3 PM के बीच में जो लॉटरी जो स्लॉट बुक कर रहे थे, तो उनके लिए अब वो जो अपलोड जो रिजल्ट होगा वो 5 PM से लेके 6 PM के बीच में अपलोड किया जाएगा। आप वहाँ पर अपना जो है रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के और भी काफ़ी डाउट्स आ रहे थे, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए उन डाउट्स की तरफ चलते हैं और आपको पूरी डाउट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला डाउट पेरेंट्स और स्टूडेंट का होता है, हाउ मेनी ड्रॉज लिस्ट विल गिव आउट फॉर क्लास फर्स्ट एंड व्हेन।
तो इसमें बच्चों आपको बताया जाएगा कि टोटल जो है वो 3 ड्रॉज निकाले जाएंगे। फर्स्ट ड्रॉ जो है लिस्ट 23 जून 2021 की निकाली जाएगी और सबसे पहला जो कैटेगराइज है वो आरटीई को निकाला जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास सेकंड लिस्ट जो है, ये सेकंड लिस्ट तब निकाली जाएगी अगर फर्स्ट लिस्ट में से कोई वैकेंट सीट रह जाती है, तो सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी। सेकंड लिस्ट जो है वो 30 जून 2021 को निकाली जाएगी, उसमें से बच्चे फिर अगर कोई बच्चे रह जाते हैं तो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट में फॉल करते हैं, तो वो थर्ड लिस्ट फिर निकाली जाएगी 5 जुलाई 2021 को निकाली जाएगी अगर वैकेंट सीट रहती है। तो ऐसा नहीं है कि जो थर्ड लिस्ट भी निकाली जाएगी, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी वैकेंसी कितनी है। ये फर्स्ट डाउट था आपका, इसको क्लियर किया दिया गया। नेक्स्ट आपके पास सेकंड डाउट है आपके पास कि ड्रॉज विल बी रिलीज ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले जो ड्रॉज हैं वो किस तरह से निकाले जाएंगे। फर्स्ट ड्रॉ जो है हमारे पास आरटीई का निकाला जाएगा फ्रॉम द सेकंड पॉइंट जो है फ्रॉम द सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरीज क्लास फर्स्ट और सेकंड ओनली के लिए। थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास द शॉर्ट फॉल जो हुआ शॉर्ट फॉल ऑफ रिजर्वेशन कोटा आफ्टर एडमिशन इन क्लास फर्स्ट एंड सेकंड अबव। तो ये था हमारे पास ड्रॉज किस तरह से निकाले जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो डाउट है, नेक्स्ट डाउट जो है आपके सामने है यहाँ पे टाइमिंग, जो टाइमिंग स्लॉट है आपके सामने है लॉटरी टाइमिंग स्लॉट, तो ये 23 को ही स्लॉट बुक होंगे और कौन कौन से रीजन के हैं आपके यहाँ पे मेंशन किया गया, पहले भी आपको बता चुके हैं, आप यहाँ से इसको पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास डाउट है, नेक्स्ट आपके पास है किधर चेक करें अपने बच्चे का लिस्ट में नाम। तो सबसे पहले पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है क्लास फर्स्ट की अगर एडमिशन के बारे में देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है KVS की उसके ऊपर जाएंगे। आपके सामने यहाँ लिखा है एडमिशन kvsonlineadmission.kvs.gov.in, आप इस पे भी जा सकते हो, या आप यहाँ जाएंगे kvssangathan.nic.in पे जाके आप अपने बच्चे की लिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास नीचे यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट हु हैव अप्लाइड फॉर द एडमिशन इन अदर क्लासेस, यानी अदर क्लासेस के लिए भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं क्लास सेकंड से लेके 12th क्लास तक, आप इसी पोर्टल पे जाके आप बच्चे की एडमिशन और सिलेक्शन लिस्ट और मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगर आप इस तरह से नहीं जाना चाहते तो एक और आपके पास प्रोसेस है, उससे भी जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक द लिस्ट ऑन KVS ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं KVS के, या फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास डाउट था हाउ टू चेक KVS ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन स्टेटस, आप किस तरह से अपने बच्चे का स्टेटस चेक कर सकते हैं एडमिशन स्टेटस। तो यहाँ पे दिया गया कुछ बिलो मेंशन पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको समझ लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, KVS की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा, जैसे कि आपको बताया गया kvsonlineadmission.kvs.nic.gov.in पे जाएंगे, या आप kvssangathan.nic पे जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे स्टेप सेकंड है ऑन द राइट साइड, आप राइट साइड पे जाएंगे होम पेज पे, वहाँ क्लिक क्या करेंगे चेक एप्लीकेशन, वहाँ पे क्लिक करके आप देखेंगे वहाँ पे चेक एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे। थर्ड पॉइंट पे आपके लिखा गया यहाँ पे नाउ एंटर यूर लॉग इन कोड, आपको कोड डालना है अपना लॉग इन। नेक्स्ट आपके पास डेट ऑफ बर्थ डालनी है बच्चे की और मोबाइल नंबर जो आपने पहले एडमिशन के टाइम डाला था। नेक्स्ट आपके पास कैप्चर कोड डालना है, देन लॉग इन कर देना है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे लिखा गया स्टेटस ऑफ यूर एप्लीकेशन विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, आपका स्टेटस जो है बच्चे का वो आपके सामने आ जाएगा कि बच्चा एडमिट हुआ है या नहीं हुआ, आपके सामने उसका स्टेटस शो होगा। नेक्स्ट आपके पास सेव आर प्रिंट द एप्लीकेशन स्टेटस फॉर द फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए आप इसको सेव कर लेंगे या इसको आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक और डाउट था, आप उसको क्लियर करेंगे। चेक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर एट द टाइम ऑफ KVS एडमिशन, जब आप KVS एडमिशन लेंगे अगर बाय चांस आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आप क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे एडमिशन के टाइम। सबसे पहला जो है बर्थ सर्टिफिकेट, एज प्रूफ आपके पास होना चाहिए कैंडिडेट का क्लास फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए चिल्ड्रन का। नेक्स्ट आपके पास प्रूफ ऑफ द रिलेशनशिप फॉर ग्रैंड चाइल्ड चिल्ड्रन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज PSU एम्प्लॉय होगा, तब उसका प्रूफ होना चाहिए रिलेशनशिप का। नेक्स्ट आपके पास प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ KVS एम्प्लॉय। नेक्स्ट अगर आपके पास ये है तो कैंडिडेट्स प्रूफ ऑफ रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है एन एफिडेविट इन केस ऑफ सिंगल चाइल्ड, जो है गर्ल चाइल्ड, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए एक एफिडेविट होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप बिलोंग करते हैं किसी कास्ट से तो आप उसका कास्ट सर्टिफिकेट देंगे SC ST EVWS, तो OBC BPL आप इसका जो है सर्टिफिकेट जो
है वो देंगे। नेक्स्ट आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, अगर कोई बच्चा जो है डिसेबल है या हैंडीकैप है तो वो अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट शोइंग द नंबर ऑफ ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 7 ईयर्स, 7 सालों में कोई अगर ट्रांसफर हुई है तो उसका सर्टिफिकेट आपको सर्विस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास लास्ट जो है सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर द यूनिफाइड डिफेंस एम्प्लॉय UDE, उनका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा रिटायरमेंट। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, जो आपको डाउट्स आते हैं इन पूरे के पूरे एडमिशन प्रोसेस में, इन डाउट्स को मैंने क्लियर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।